तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर तुम देखोगे, दो ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर ये दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, M1 और M, और इधर M2 हैंगे, और M1 की वैल्यू यहाँ 4 kg दिया हुआ है और M2 6 kg है। ये वाला जो है वो 6 kg है। अन फ्रिक्शन लेस पुली रुका, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक M1 एंड हॉरिजेंटल, यहाँ पर जो म्यू प्रजेंट है, ये यहाँ पर जो म्यू प्रेजेंट है वो 0.4 है। व्हेन सिस्टम इज रिलीज द मास M1 M2 स्टार्ट एक्सलरेटिंग। अगर ये सिर्फ M1 और M2 है, समझ रहे हो, अगर ये सिर्फ यही दोनों हैं तो ये एक्सलरेशन जनरेट हो जाता है। ये M2 है और यहाँ पर M1 है, तो ये M1 है, फ्रिक्शन कम है यहाँ पे, सफिशियंट यहाँ पे जो टेंशन है वो डोमिनेंट हो जाता है और फ्रिक्शन कम पड़ जा रहा है, दैट्स वाई ये एक्सलेट कर जा रहा है ए एक्सलेशन से। लेकिन अब मेरी इच्छा ये है कि मैं इसको रोकना चाहता हूँ। एडिशनल मास एम शुड बी प्लेस्ड ओवर M1 सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ठीक है, सो दैट ब्लॉक M1 स्लाइड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्लाइड तभी भी करे, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड तभी हो सकता बच्चों जब यहाँ पे जो है टेंशन एक्सलेशन को बैलेंस कर ले, नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो चलो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मास लग देते हैं, जिससे यहाँ से टेंशन ज़्यादा था तो आगे जा रहा था, और अब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल एम रख दिए, और इन दोनों को अब एक सिंगल मास की तरह ट्रीट करो, इन दोनों को एक सिंगल मास की तरह देखो। तो अगर सिंगल मास देखोगे तो M1 प्लस कैपिटल M, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इधर को डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है ना, सिंस कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो फ्रिक्शन यहाँ काइनेटिक लग रहा होगा और म्यू एन आ जाएगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन यहाँ इस पे लगने वाला जो टेंशन है उसको बैलेंस कर लेगा, तभी स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये टेंशन यहाँ से M2 से निकल जाएगा। ऊपर टेंशन T है और नीचे M2G है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सलेशन जीरो है, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू M2G, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो मस्ट बी इक्वल टू टेंशन T। ये बस दो इक्वेशन बने, इनको सॉल्व कर लोगे अपना स्मॉल m उसमें आ जाएगा। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ से फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ, म्यू एन, और म्यू यहाँ से लिख सकता हूँ M1 प्लस स्मॉल m म्यू एम जी, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल है, दैट इज टेंशन, और टेंशन इज इक्वल टू M2G के इक्वल है, तो यहाँ से म्यू टाइम्स M1 प्लस स्मॉल एम जी, तो यहाँ से जी ने जी को काट दिया, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 0.4 रख दो, और मास जो पहला वाला मास था वो 4 kg था प्लस स्मॉल एम था, और जो M2 वाला मास है वो कितना था देखो, तो 6 kg का था। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 m इज इक्वल टू 6 / 0.4, 6 / 0.4 मतलब 60/4, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये 15 times यहाँ से कट जाएगा, तो 4 m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ से 15 आ गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी 15 - 4, दैट इज 11 kg रहना चाहिए स्मॉल m। अगर स्मॉल m 11 kg आ जाएगा तो उससे हमारा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, दैट इज यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। थैंक यू।